हे गाइस, अंकुर धीरे दिस साइड। आज है हमारा डे फोर। पहला डे में कवर किया था हमने कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन, एग्रीमेंट का डेफिनेशन और प्रपोजल का डेफिनेशन, एंड देन इनफोर्सेबल बाय लॉ का डेफिनेशन कवर किया था। सेकंड में किया था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। थर्ड में किया था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन या फॉर्मेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन या क्रिएशन, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, सबसे पहला होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? एक्सप्रेस। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दो तरीके से हो सकता है, या तो बोल के नहीं तो लिख के, या तो बोल के नहीं तो लिख के। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो या तो रिटन नहीं तो ओरल, या तो रिटन नहीं तो बाय वर्ड्स क्या किया गया है, बनाया गया है, किया गया है, वैसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? वैसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। राइट, क्लियर है? ओके सर, आगे बढ़े। नेक्स्ट वन इज इम्प्लाइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्लाइड? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड वन इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो बोलता है कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इम्प्लिकेशन। बाय इम्प्लिकेशन का मतलब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एग्जिस्टेंस में आता है इम्प्लिकेशन के थ्रू। इम्प्लिकेशन का मीनिंग होता है ईदर बाय लॉ और बाय एक्शन, ईदर बाय लॉ और बाय एक्शन। राइट, जैसे जैसे से फॉर एग्जाम्पल कि आप स्टेशन पे उतरे, जंक्शन पे उतरे, पुलिस यूनिफॉर्म में आया, आपका लगेज उठाया और वो क्या कर दिया, वो आपको स्टेशन के बाहर ड्रॉप करता है और आप भी उसे कुछ बोले नहीं, आप उसके पीछे पीछे चल दिए। अब क्या हुआ, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? यानी कूली ने क्या किया, आपका सामान उठाया और आपने भी उसको क्या करने दिया, आपने भी उसको अपना सामान कैरी करने दिया। यानी दिस इज बाई एक्शन, दिस इज बाई एक्शन। राइट, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट किस चीज के थ्रू हुआ? बाई एक्शन के थ्रू। क्लियर है? तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में दो पॉइंट कौन कौन से है? तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का की वर्ड है या तो ये लॉ के द्वारा बनेगा या फिर ये एक्शन के द्वारा बनेगा। इट इज क्रिएटेड इधर बाई लॉ और बाई एक्शन। राइट, नेक्स्ट वन इज टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। अगला क्या है? टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट का मतलब होता है साइलेंट। टैसिट का मतलब होता है क्या? साइलेंट। अब ये क्या होता है? ये वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें ना ना ये कॉन्ट्रैक्ट रिटन होता है ना ही ओरल होता है। यानी ये पार्टी के कंडक्ट के थ्रू बनता है। ये कैसे बनता है? इट इज क्रिएटेड बाय इन्फर्ड थ्रू द कंडक्ट ऑफ द पार्टी विदाउट एनी वर्ड स्पोकन और रिटन। राइट, यानी कि आपके कंडक्ट के द्वारा ये कॉन्ट्रैक्ट बना ना। तो इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है एटीएम मशीन से कैश विड्रॉ करना, एटीएम मशीन से कैश विड्रॉल। सेकंड, आपने देखा होगा कई जगहों पे वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन होता है। कौन सा मशीन? वेइंग मशीन, जिसमें आप क्या करते हो, चलो भैया आज अपना वेट मेजर करते हैं कि मेरा वेट कितना हो गया। तो वो भी क्या है? अच्छा, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। ये भी क्या है? टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? तो टैसिट का मतलब क्या होता है? टैसिट का मतलब होता है साइलेंट। और ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? इन्फर्ड थ्रू द कंडक्ट ऑफ द पार्टी विदाउट एनी वर्ड स्पोकन या रिटन। एक बात बताओ, एटीएम में जाके बोलते हो क्या एटीएम को, ए सुनना, क्या मैं पैसे निकाल लूं तेरे से? बोलते हो नहीं ना, फिर भी आप क्या करते हैं, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, आप एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वन इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या बला है? ये बला नहीं, ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन।
क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बोलता है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, ये एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बट ये कॉन्ट्रैक्ट के जैसे होता है। इसका मतलब है एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट के जैसे होता है। तो इसका मतलब है इट इज क्रिएटेड बाय लॉ अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। मतलब जैसे कि लॉ क्रिएट्स एंड इन्फोर्स लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशन वेयर नो रियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट। होता क्या है, होता क्या है, होता क्या है, लॉ क्या करता है? लॉ के द्वारा तो ये बन जाता है, लीगल राइट इन्फोर्स भी हो जाता है, ऑब्लिगेशन भी इन्फोर्स आ जाता है, हो जाता है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। व्हाई? क्योंकि इसमें कीवर्ड सुनो, क्योंकि इसमें दोनों में से किसी भी पार्टी का कोई इंटेंशन नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट करने का। व्हाई? क्योंकि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में दोनों में से एक भी पार्टी का कोई इंटेंशन नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट करने का, दोनों में से किसी भी पार्टी का कोई इंटेंशन नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट करने का, बट इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ, बट इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ। जैसे जैसे से फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मिस्टर ए रास्ते से जा रहा था, उसको ये वॉलेट मिला। मिस्टर ए रास्ते से जा रहा था, उसको ये क्या मिला? वॉलेट। अब उसने क्या किया मिस्टर ए ने किया क्या कि वॉलेट को देखा, इसमें देखा कि मेरा डिटेल है। से फॉर एग्जाम्पल ये वॉलेट मेरा ही था, इसमें मेरा डिटेल्स है, ठीक है। तो मिस्टर ए ने क्या किया, मैं मान लो किसी और सिटी में हूँ, मिस्टर ए किसी और सिटी में है, मिस्टर ए ने क्या किया, ये वॉलेट बाय कुरियर, ये वॉलेट थ्रू कुरियर मिस्टर ए ने मेरे पास क्या किया, भेजा। अब एक बात बताओ, क्या मिस्टर ए का कुरियर का एक्सपेंस लगा ना? क्या मैंने जानबूझ के वॉलेट गिराया था कि मिस्टर ए आएगा और मेरे को वॉलेट कुरियर करेगा? नहीं, ये जानबूझ के नहीं हुआ था, इट वॉज एक्सीडेंटल, राइट। और मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने इस कुरियर को मेरे तक पहुंचाया, और इस कुरियर को यानी और इस वॉलेट को पहुंचाने में जो भी एक्सपेंस मिस्टर ए का लगा होगा वो मुझे वापस करने होंगे, जो भी एक्सपेंस मिस्टर ए का लगा होगा वो मेरे को वापस करना होगा, राइट। तो क्या हम दोनों का, मेरा और मिस्टर ए का, कोई इंटेंशन था कॉन्ट्रैक्ट करने का? नहीं, लेकिन लॉ ने इम्पोज किया, हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बट ये कॉन्ट्रैक्ट के जैसे था, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन खत्म होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन या क्रिएशन कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह का हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन या क्रिएशन कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक और होगा मैं आपको बताता हूँ, पांच तरह का होता है। सबसे पहला होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वैसे कॉन्ट्रैक्ट है जो कि या तो लिख के नहीं तो बोल के किया गया है, उसको बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इट इज इधर रिटन और ओरल। वैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि या तो रिटन होगा नहीं तो ओरल होगा। दूसरा होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी इट इज केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है बाय लॉ और बाय एक्शन। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है बाय लॉ और बाय एक्शन। पूरी वाला एग्जाम्पल याद रखना। नेक्स्ट वन इज टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट का मतलब होता है साइलेंट, और ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आता है थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टी, और इसमें नहीं बोल के कॉन्ट्रैक्ट होता है और ना ही रिटन होता है। साइलेंट का मतलब क्या होता है? चुप, क्लियर है। नेक्स्ट वन इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट के जैसे होता है। सॉरी, इसमें दोनों में से किसी भी पार्टी का कोई इंटेंशन नहीं होता एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करने का, लेकिन लॉ की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आता है, राइट। नेक्स्ट वन इज ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे इंटर होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट इंटर होता है दो ये कॉन्ट्रैक्ट इंटर होता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं,
ये क्या होता है, वो आप जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आजियो, अमेजोन, ये सब जो आप शॉपिंग कर रहे हैं, क्या है, ई कॉन्ट्रैक्ट है। ई कॉमर्स के थ्रू जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया होता है वो क्या होता है, ई कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सो अभी के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर अगले दिन क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो। एंड चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा ज्यादा शेयर करो और ज्यादा ज्यादा प्यार दो, और साथ ही साथ भलाई के अंदर दबाना मत भूलना, ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।